मार्केट में लिस्टेड हर एक स्टॉक को हम नहीं खरीद सकते एक बार में, लेकिन हर एक स्टॉक को हर एक कंपनी के बारे में हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, सो दैट जब भी हमें मौका आए तो हमारा एनालिसिस रेडी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा केमिकल के बारे में। टाटा केमिकल की अगर हम बात करें, आपके सामने जो डेटा लगा है 2016 से, यानी 16 से लेकर अभी तक का डेटा है, तो आपके पास एक इनफ डेटा है आप इसे समझ पाएं, एनालिसिस कर पाएं और कुछ एक अपना रिजल्ट बना पाएं। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, इतने सालों में 16 से लेकर 22 तक का डेटा है और इसने कैसा परफॉर्म किया वो आप देखेंगे। प्री कोविड की अगर हम बात करें यहाँ तक, ये किस तरह का अपमूव था इसमें या किस तरह का मूव था, एक कंसोलिडेशन के फेज में आपको देखने को मिल रहा है। देन व्हाट, देन कोविड का फॉल और उसके बाद कोविड, आफ्टर कोविड किस तरह की रैली आई है। ये रैली तो हम वही जो मैं बार बार बोलता हूँ आप सभी को कि अगर आपने कुछ गोल प्लान कर रखा है तो वापस से छोटे छोटे जो मार्केट में जर्क आते हैं, हिकअप्स आते हैं, उनकी वजह से हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मतलब आपके 10 साल का प्लान आपके 10% के करेक्शन की वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इतना ही आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको हर एक इवेंट पर आपको एंट्री एग्जिट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो इसको आप ध्यान रखिए, अदरवाइज ये गेन आपसे मिस हो जाएंगे। जरा इस एग्जाम्पल को समझिए। ये वो टाइम है जहाँ पर निफ्टी या फिर अगर हम बात करें US के मार्केट रिसेशन में चले गए, यानी 20% से ज़्यादा वहाँ के इंडेक्स टूट गए थे। इंडियन मार्केट भी टूटा, अच्छा खासा टूटा, और आपके पास रिसेंट में भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो रिकवर नहीं हुए हैं। ये स्टॉक्स तो रिकवर हो गया, वो अभी भी लाल में है और अच्छे खासे डीप में लाल होंगे आपके पास। इसमें रिकवरी आ गई और उससे भी ऊपर चला गया, ये आपको देखने को कंप्लीट दिख रहा है। तो ये है इसकी स्ट्रेंथ। ऐसे शेयर में क्या करना है, ऐसे शेयर में आप इसको इस तरह के से आप समझिए, ये आपका विनर है, आपका एक ऐसा रेस का ऐसे एक ऐसा हॉर्स है जो सबसे आगे चल रहा है। तो विनर को आप कभी बेचोगे नहीं, विनर में आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी लगाओगे, बाय ऑन डिप्स की करोगे या फिर उसे राइट करोगे, वो हम समझेंगे। लेकिन इसने जो रिटर्न दिए अभी तक के 487% के दिए, जिसे आप काफ़ी अच्छा कहेंगे। इतना आपको पास्ट के इस बारे में पता चल गया है, सो दैट आप अब जब हम आगे जो बोलने जा रहे हैं वो आप समझ पाएंगे। यहाँ पे अब आपके सामने हम बात कर रहे हैं मंथली के बाद वीकली के टाइम फ्रेम में, ठीक है, हमने मंथली चार्ट समझ लिया। अभी क्या हो रहा है, इसी लेवल के हम बात करते हैं। ये था इसको जब मार्केट ने टॉप किया था, और उसका मार्केट में भी करेक्शन आया, इसमें भी करेक्शन आया, तो इसमें एक करेक्शन जिगजैग के फॉर्म में आया, ज़्यादा गिरा नहीं और इसी बीच में रहा और फाइनली जाके यहाँ पे आया ब्रेकआउट। लेकिन इसने जो रैली यहाँ से दिखाई है, इस एक महीने की बात है, यानी 1 जुलाई के आसपास से इसमें रैली आई थी। अगर हम आज की तुम बात करें 12, यानी कि अगर 12 अगस्त है, अगर आप ट्रेडिंग डेज को मिला देंगे तो 30 डेज के आसपास रफली निकल के आएंगे। 30 दिन में ये 55% रिकवर हो गया। एक चीज़, जिन्होंने यहाँ पर भी लिया होगा तब भी ग्रीन में आ चुका है, जिन्होंने बीच में कहीं लिया तब भी प्रॉफिट में आ चुके हैं, और जिन्होंने बीच में लिया होगा या फिर यहाँ कहीं भी लिया होगा तो तब भी 50, 40, 35 कुछ तो मिल ही गया होगा। तो ये है आपका विनर एज ऑफ नाउ। अब इस विनर की भी एक वो है, स्ट्रेच करने की भी एक लिमिट होती है, यानी कि एक टाइम तक ही हर कोई स्ट्रेच कर पाएगा, समवेयर उसको रुकना पड़ेगा फर्दर गेन के लिए। तो इसकी अगर हम बात करें टाटा केमिकल की, यहाँ से गिरा था और बिल्कुल डॉट का अगर हम आज की बात करें, बिल्कुल डॉट टू डॉट इसने वही हाई लगा और वहाँ से थोड़ी सी अभी प्रॉफिट दी। क्यों? क्योंकि ये है सप्लाई, जिसे हम बोलते हैं मार्केट में सप्लाई डिमांड एंड सप्लाई, जैसे ये सप्लाई जोन थे वैसे ही ये डिमांड जोन थे, ये सप्लाई जोन है, उसको टच किया एक प्रॉफिट बुकिंग। जरा आप सोचिए, अगर आपने एक महीने पहले कोई स्टॉक लिया है और समवेयर आप उसको होल्ड भी कर पाए और आप उसने आपको 40, 30, 50% का रिटर्न दिया, शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करते और सप्लाई जोन के आसपास? मैं तो प्रॉफिट बुक करता, प्रॉफिट बुक किया भी है, यही आगे भी करूँगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर एज है। तो ये वाली साइकोलॉजी सिंपल है, सबको समझ में आती है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से आपका विनर स्टॉक है आपको पता है, लेकिन क्या विनर सीधा निकल जाएगा, इस तरह की रैली सस्टेन हो पाएगी, इसमें भी एक सवाल है। तो यानी यहाँ से सवाल का जवाब ये निकल के आएगा कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर नहीं आएगी। दो चीज़ें हो सकती है, तो टाइम या तो ये प्राइस थोड़ा सा यहाँ से करेक्ट हो सकता है, कितना होगा वो तो हम अगली स्लाइड में देखेंगे, या फिर यहाँ पर टाइम करेक्शन ले सकता है, क्योंकि जब ये यहाँ नहीं गिरा, जब मार्केट गिरा था, तो अगर इसमें एज ऑफ ना ये शेयर स्ट्रेंथ दिखा रहा, सबसे पहले रिकवर हुआ है, मतलब यहाँ पर कुछ तो इंटरेस्टिंग है। एंड वैसे भी जिस सेक्टर को ये बिलोंग करता है, कई बार इसको हमने कवर किया डिटेल में, इसके प्रोडक्ट सर्विसेज जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, गवर्नमेंट का कहाँ सपोर्ट है, इनके कहाँ आने वाले टाइम में, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ने वाली, वो हमने पहले ही बात किया, इसीलिए वो रीज़न है जिसकी वजह से सबसे पहले रिकवर हुआ है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली यहाँ एक लक्ष्मण रेखा है, रेड लाइन आपको देखने को मिले, डॉट टू डॉट देख रहे हो आप, बिल्कुल वहीं से आज के दिन आया, एक अच्छा अपूब आया पिछले 2 से 3 दिनों में, अब वॉल्यूम से इसे कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जिन लोगों के पास है और आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं,
तो इस विनर स्टॉक में अभी आपको प्रॉफिट मेकिंग की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एक बार ये ब्रेक करता है, ये ब्रेक एक हफ्ते बाद करे, दो हफ्ते बाद ब्रेक करे, या फिर एक क्वार्टर के बाद करे, हमें नहीं पता, लेकिन मोमेंटम अभी बड़ा ही स्ट्रांग है इसमें, यह आपको क्लियरली दिखा है। लेकिन इस तरह की रैली देने का थोड़ा सा थंबना इसका जरूरी है, थोड़ा कूल ऑफ होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो सस्पिशियस है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बिना रिट्रेस किए हुए इस तरह का अपमूव ये आपको दिखाते हुए जा रहा है। इसलिए आपको समझना बेहद जरूरी है इन चीज़ों के। तो फ्रेश बाइंग एज ऑफ नाउ अवॉइड, शॉर्ट टर्म ट्रेडर प्रॉफिट बुकिंग, इसके ऊपर निकलते ही सस्टेन होते हैं। ध्यान रखिए कि मार्केट में ऐसा ना हो कि इंट्राडे में ब्रेक किया उसके बाद नीचे आ गया, देन उसके बाद हम टॉप पे फंस गए, ऐसा भी नहीं। सस्टेन हो, थोड़ा सा थोड़ा महंगा ले लेंगे। तो ये है। अब फ्रेश बैंक की अगर बात करें, अभी की जो इसकी क्लोजिंग प्राइस हमें मिली है, अगर हम इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात करें 118 के आसपास, इसने हाई लगाया था, 1160 इसने हाई लगाया था, और अभी जो क्लोजिंग हुआ है 1118, यानी ऊपर से थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब यहाँ से क्या, अगर ये आपको थोड़ा नीचे मिलता है तो, यानी रफली बात करें 100 पॉइंट नीचे मिल जाए, या फिर हम वापस से देखेंगे या तो इसके ऊपर या फिर एक सेकेंड या इसके ऊपर निकले तो आपके लिए फ्रेश बाइंग या फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट होता है। अदरवाइज ये जो हाईज आपको दिख रहा है अभी, ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता है यही सपोर्ट का काम करेंगे, और एक बड़ा गैप भी क्रिएट हुआ है, इसलिए आज नहीं तो कल हो सकता है ये इसको फिल करने के लिए आए, तो तब आपको इसको ऊपर, इसके ऊपर रखनी है नज़र फ्रेश बाइंग के लिए। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा वेट एंड वॉच कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। काफ़ी अच्छा रनअप हो चुका है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे चुका है। याद रखिए विनर है, कुछ दिनों के लिए हॉल्ट ले सकता है, लेकिन वापस जहां पोर्टफोलियो रिकवर नहीं हुआ है, स्टॉक रिकवर नहीं हुआ है, ये सबसे पहले आ चुका है, तो मतलब समवेयर कुछ है जिस, तो वो आप और हम नहीं जानते हैं। जानते हैं तो आप समझ पा रहे हो तो क्यों भाग रहा है, क्योंकि इसका सेगमेंट हम पहले कवर कर चुके हैं, वो यहाँ बात करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये लेवल के आसपास। 1000 या बिलो 1000 तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज 2 से 3 दिन पहले आप यहाँ देखेंगे, अगर 2 से 3 दिन पहले 950 के आसपास था, 1, 2, 3 तीन दिन में 950 से 1150 पहुँच गया, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आनी ज़रूरी है। मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको इजीली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए, एटलीस्ट लाइक तो जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप टॉप पे फंस जाएं कि ये सोच के कि भाग गया, बहुत भाग गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।